गदर फिल्म एक देशभक्ति फिल्म है जिसके पहले भाग में भारत के इतिहास को दर्शाया गया था कि कैसे भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों ओर दंगे भड़क उठे थे और ये फिल्म इतनी कामयाब रही थी कि आज पूरा भारत इसके अगले भाग की कहानी को देखना चाहता है। दोस्तों सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पूरे 20 साल बाद इस फिल्म को लेकर पर्दे पर वापसी करेंगे। ये फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है, यानी गदर फिल्म का दूसरा भाग है। दोस्तों मेरे रिव्यू से आपको पता चल जाता है कि फला फिल्म को देखने से आपका टाइम तो खराब नहीं होगा, तो इसलिए मैं बेहतरीन फिल्मों का ही रिव्यू करता हूँ ताकि आप फालतू की चीजें देखने से बच जाएं। तो आप बॉलीवुड एंगल चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। इसकी पिछली कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अमीषा पटेल यानी सकीना को पाकिस्तान से लाने के लिए तारा सिंह पाकिस्तान गए थे और वहां जाकर नल को उखाड़ दिया था, लेकिन गदर 2 के टीजर में उन्होंने बैलगाड़ी के एक पहियो को उठाया हुआ है। दोस्तों गदर 2 एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी कहानी के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है कि इस बार तारा सिंह अपने बेटे को लेने के लिए पाकिस्तान जाता है। दरअसल 1971 की जंग में तारा सिंह का बेटा पाकिस्तान में फंस जाता है। उसी को लाने के लिए तारा सिंह पाकिस्तान जाने का फैसला लेता है। गदर 2 के टीजर में भी पहले की तरह ही काफी भीड़ और दंगे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें शायद 1971 की किसी अनकही कहानी को ही दिखाया जाएगा। अगर हम टीजर के आखिर में देखें तो सनी देओल एक कब्र के पास बैठकर रो रहे हैं। शायद इस बार फिल्म में सकीना की मौत हो जाएगी और इसलिए वो उसका मातम मना रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि गदर 2 में विलेन कौन होगा। दोस्तों इसके सीक्वल में कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे। गदर फिल्म में अमरीश पुरी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो दिग्गज अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी जगह अभिनेता मनीष वाधवा खलनायक के रूप में लेंगे। दोस्तों ये अभिनेता वही है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य के रोल को प्ले किया था। जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक गजब के अभिनेता है, इसलिए इन्हें पठान मूवी में भी विलेन के रोल को निभाने का मौका मिला था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म में लीड रोल की। दोस्तों इस फिल्म में आपको सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा ये सभी आपको इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो अदर कास्टिंग है उसमें है सिमराट कौर, मीर सरवार, अनिल जॉर्ज, डॉली बिंद्रा, नीलोफर गैसवात जैसे कलाकार आपको अदर कास्टिंग के तौर पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के निचोड़ की। दोस्तों वास्तव में तो ट्रेलर देखकर आपको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक मिनट के ट्रेलर में पूरी कहानी को जान लेना आसान नहीं होता, लेकिन फिल्म के टीजर में 1971 का जिक्र हुआ है और ये तब की बात है जब भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थी और उस समय बांग्लादेश वजूद में आया था और उसी समय भारत ने पाकिस्तान को उसकी आज़ादी उसे भीख में दी थी। उस समय अगर हम चाहते तो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते थे, तो ये पूरी फिल्म उसी दौर में बनने जा रही है। दोस्तों गदर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है अनिल शर्मा और इसके जो राइटर हैं वो है शक्तिमान तलवार। और इस फिल्म को 11 अगस्त 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म की लोकेशन के बारे में। दोस्तों फिल्म में लोकेशन अपना एक खास रोल अदा करती है और आप देख सकते हैं कि फिल्म में लोकेशन उसी समय की दिखाई पड़ रही है। 1971 के समय में जगह कैसी दिखाई देती होंगी, उस समय क्या हालात होंगे, ये सभी इस फिल्म के टीजर में काफी अच्छे से दिखाया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस फिल्म का टीजर मुझे कैसा लगा। दोस्तों टीजर देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और जल्द ही ये फिल्म आपको अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। दोस्तों इस फिल्म के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक फिल्म जवान, ओ माई गॉड 2 और सलार जैसी लेटेस्ट फिल्मों के बारे में नहीं जाना है तो चैनल पर विजिट कीजिए। और दोस्तों गदर 2 फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं और इससे आप क्या उम्मीदें रखते हैं, कमेंट करके जरूर साझा करें। और यदि आपको फिल्मों की पूरी कहानी सुनना पसंद है या फिर ऐसे ही आने वाली फिल्मों की जानकारी आपको चाहिए, तो इससे बेहतर आपको चैनल नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को जरूर प्रेस करें। घंटे से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, नमस्कार, शब्बा खैर।